अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजमल जामी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो नीचे हल्का से इसे लाइक कर दें, और अगर आपको पसंद नहीं भी आई तो फिर भी लाइक कर दें, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस। और फिर मजीद खबरों, तबसों, तज्जियों और वीलॉग्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। ये बताएं, वोट डालती हैं? मैंने इस इलेक्शन में वोट नहीं डाला, मैं कॉन्शियसली नहीं डाला। काफी लोगों की तरह मुझे भी बहुत नाउम्मीदी हुई है हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबसे। आपको अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है इस पार्टी से? उम्मीद ये है कि अल्लाह करे कुछ हो जाए अच्छा। मुश्किल है। ठीक है, और कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रहे तो आप हमारे जनरल नॉलेज के सेगमेंट पे जा सकते हैं। ओके, सो बेसिकली द आइडिया इज कि जवाब देना लाजमी है या इस तरफ या फिर जनरल नॉलेज। आपके पास जो जमहूरी हक है आपका वो ये कि आप दोनों में से कहीं चूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी, हाजरा चले आपसे स्टार्ट करते हैं। इनसे स्टार्ट कर रहे हो तो पहले स्टार्ट हो जी। तो हाजरा ये बताइए, टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, दो वीआईपी पास आपके पास है, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। वो दूसरे वीआईपी पास पर आप इनमें से किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पर? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और चॉइस ऑफ इन्हनु ले जाओ खुदा दा वास्ते। यार उनकी आई थिंक डॉक्टर आमिर लियाकत। चॉइस ऑफ आमिर लियाकत साहब को ले गई हैं वो। कोई बात नहीं, वो डूब रहा है टाइटैनिक तो आप चाहती हैं उनके साथ डूबे ही। अच्छा ये बताइए, एक चेयर लिफ्ट है जो दो पहाड़ों के दरमियान में फंस गई है, उस चेयर लिफ्ट के ऊपर आप बैठी हुई हैं, नीचे खाई है, ऊपर चेयर लिफ्ट के ऊपर आप हैं, 7 से 8 घंटे चेयर लिफ्ट यहाँ से नहीं हटनी, इनमें से किसको अपने साथ आप चेयर लिफ्ट के ऊपर बिठाना चाहेंगी फॉर द नेक्स्ट 7-8 आवर्स? ठीक है, ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार, जनाब कायम अली शाह और जनाब परवेज खटक। उस्मान बुज़दार साहब, मुझे उनसे पूछना है कि आप वजीर आला कैसे बने? ये देखें दिल पे लगी, इतना खुश हुए हैं वो। हूँ ससाली ताड़ी मारी दी है। ये बताइए, आप जहाज पे बैठी हैं और आप देख रहे हैं कुछ लोग वहां पे लाउंज में बैठे हुए हैं, किसी एक शख्स को आप अपने साथ पाकिस्तान ला सकती हैं। ठीक है, बाहर से आ रही हूँ, पाकिस्तान बाहर से आ रही हूँ और आप पाकिस्तान ला सकती हैं, वो इंसान फिर पाकिस्तान में रहेगा, इनमें से किसको आप पाकिस्तान लाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं डोनाल्ड ट्रंप, अल्ताफ हुसैन और इसहाक डार। मैं कहती हूँ डार साहब को वापस लेके आना चाहिए। उन्होंने इन्ने बंदे नहीं ले गए, तुसी कितों ले आना? नहीं, इसहाक डार को ला रही है। क्यों? इन्होंने एक बड़ा एक अच्छा पॉइंट वो डॉलर वाला कहा था ना, तो मैंने कहा शायद डॉलर फिर से नीचे हो जाए अगर वो आ जाए वापस। डॉलर को, डॉलर को लाने के लिए आप साकदार को वापस लाना चाहते हैं। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरा आप किसी और को देके उनकी जान बचा सकती हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? आप डिग्री करके आई थी, उस वक्त क्या आपने सोचा हुआ था कि आप एक्टिंग करेंगी या वॉज इट एन एक्सीडेंट? एक्सीडेंट, और घर वाले तो बिल्कुल पठान घराने से, क्वेटा से डिग्री करा ली, इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? डिग्री कराई है तुम्हें, डिग्री भी बाहर से करा के दी है, तो दे वर वेरी, वो बहुत अपसेट थे कि भाई इतना पढ़ाया लिखाया और बाहर से आके ये सब करना है, तो बिल्कुल नहीं था पसंद उनको तो। और उसके बाद वंस यू डिड इट तो आपको लगा कि दिस इज द राइट कॉलिंग एंड नॉट द बैचलर्स दैट यू डिड? यस, ये तो है। कभी दिल नहीं चाहा उस डिग्री को देखती होंगी के क्या करूं मैं इसका, क्या करूं मैं इसका, केच पकोड़े पा लिए? पकोड़े नहीं यार, अच्छी खासी महंगी डिग्री है भाई, आयरलैंड से की हुई है उन्होंने। साडे को भी बड़ी महंगी डिग्री है। कौन सी? थर्ड डिग्री भाई यार। मगर नहीं, उसके बाद आपने किया एंड देन यू स्टार्टेड ऑफ। और जी, मैंने जावेद फाजल साहब डिस्कवर्ड मी, आई मीन ही डिडंट डिस्कवर मी, ऑडिशन मी एंड ही लाइक मी, सो देन आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर 2000 एंड देन बड़ा अर्ली, पीपल यूजुअली रिफ्रेन फ्रॉम प्लेइंग अ नेगेटिव रोल सॉर्ट ऑफ सो टू स्पीक अर्ली इन देयर करियर, यूजली होता है कि जब वो शुरू में हीरोइन बन बन के थक जाते हैं तो फिर वो कहते हैं अब हम कुछ नेगेटिव करेंगे क्योंकि हम बहुत कर चुके हैं पॉजिटिव। मगर आपने शुरू में ही एक डॉली की आएगी बारात के अंदर कर दिया था जो कि खैर पर से एज नेगेटिव उस तरह नहीं था, ह्यूमरस टेक ऑन इट, बट स्टिल यू डिड दैट एंड देन दैट प्ले बिकेम फेमस और वो आपका बड़ा एक क्लेम टू फेम रहा, उसके बाद भी यू केप्ट ऑन डूइंग दैट। तो कहीं पर लगता है कि पॉजिटिव वाइब ज्यादा है आपकी या नेगेटिव? मेरी दोनों है, अनफॉर्चुनेटली वैसे आप राइटर हैं आपको भी पता है अच्छी तरह टाइप कास्टिंग बहुत होती है और हमारे लिए यहाँ औरतों के कैरेक्टर्स वैसे भी बहुत लिमिटेड होते हैं। मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए, हालांकि मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया एज मच एज आई शुड हैव बट एंड आई वॉन्ट टू, लेकिन ये कि बहुत लिमिटेशन में आ जाते हैं आपको, एक टाइप कास्टिंग बहुत शुरू होती है और टी वी में तो वैसे भी बहुत लिमिटेड किस्म की कैरेक्टराइजेशन होती है औरतों के लिए और कहानियाँ भी बहुत।
आपने लिखा फिर बड़ी टाइप कास्टिंग हमें आजकल बहुत मिल रहा है. आप भी अक्सर ये बात करते हैं एक ही टाइप का मर्द भी देखने को मिलता है और एक ही टाइप की खवातीन है या बहू होती है या उस पर जुल्म हो रहा होता है, जुल्म कर रही होती है. ऐसे ही वही सास बहू, वही रोना धोना, वही उसको विक्टिम दिखाना औरतों को. ये एक चीज चलती जा रही है, जो चलती जा रही है और पता नहीं और क्यों चलती जा रही है, मुझे समझ नहीं क्यों चलती जा रही है. आपके साथ भी होती है टाइप कास्टिंग? सास बहू का मसला बन रहा था, मैंने बोला था कि मेरी अम्मी ऐसी नहीं है. तो आपकी अम्मी का क्या ताल्लुक, इसका क्या ताल्लुक है? हाँ आप तो समझ रहे, वो भी समझ गई होंगी. वो कुछ नहीं समझी. नहीं नहीं, वो जितनी प्यारी है माशाल्लाह, कोशिश करें समझाने की. सिंगल है वो, ये मसला उनको ज्यादा इरिटेट कर रहा है ना. आपको कैसे इल्म है कि सिंगल है? क्योंकि गड्डी जो कल उतरे से मैं छातों देख रहे हैं. नहीं मुझे हाजरा शुरू से अच्छी लगती है, प्यारी है ये. अच्छा आ जा ना मुझे पे, आ जा. मैंने 2 किलो चीनी चाहिए. क्या चाहिए? बस ये शादी होनी चाहिए. आपका कोई प्रोग्राम है आने वाले वक्तों में शादी का? किसी का ही होता है, इसमें कौन सी बात है जी? गलत सवाल कर रहे हैं आप. उच्ची बोलो, बैटरी मोगी. कह रहे हैं कि शादी आपने करनी है. जाहिर है हर इंसान जो है वो खाओ मर्द हो वो औरत हो, उसने एक दिन शादी तो करनी ही करनी है. अब बना लेना चाहिए प्रोग्राम. आप चौधरी साहब की बात से एग्री कर रही हैं? मैं एग्री कर रही हूं. इनकी बात सुनते ही आपका मूड बन गया. इतनी कन्विंसिंग आप बात चला. बहुत कन्विंसिंग बात की है. मैं कहती हूँ आप सही कह रहे हैं. बिल्कुल ये देखिए उनका जो आप सोचना चाहिए इस पे. हेलो मामू जी, कुड़ी मानेगी बात. तो सब आपकी शादी जो थी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? जिन्ना बोल दे अरेंज ही होनी. मेरी एक जो है लव है, एक अरेंज है. अच्छा और कितना कितना अरसा हो गया? एक 25 साल हो गए, एक 14 साल हो गए. 14 साल हो गए, ठीक है. तो ये बताएं कि आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो अरेंज वाली करें या लव वाली करें? इनको जी जी इनको मशवरा देना, मैंने घर जाना है भाई. कौन से वाले हैं? 14 साल वाले या 24 साल वाले? बच्चे मेरे दुबई में रहते हैं. ठीक है. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उनको क्या मशवरा देंगे कि लव मैरिज होनी चाहिए अरेंज मैरिज? सिंपल सा क्वेश्चन है. मेरे ख्याल में दोनों ही चीजें जो है ना, माँ बाप की मर्जी से लव मैरिज हो. देखें मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह बड़े बड़े हैं. मैं उनको सुबह जब यूनिवर्सिटी जाए तो मैं उन्हें कहता हूँ पुत्र जा रहे हो लेकिन शादी किसी से वादा नहीं करना, मेरी मर्जी के साथ मिला करनी है. माँ बाप और औलाद जो है बच्चे सब मिल के करें क्योंकि ये फैमिली जो जो ये प्यार मोहब्बत होता है ना जो होता है बाहर जाके वो है 5-7 दिन के बाद खुमार निकल जाता है, फिर बाद में लड़ाई झगड़े होते हैं. बेहतर ये है कि माँ बाप की मर्जी के साथ बच्चों की मर्जी भी शामिल हो, ये फैमिली का डिसीजन होना. बहुत अच्छा भाजी, जितनी देर हुकूमत नहीं आती तो ही रिश्ते कराया करो. अपने बॉस वालों आ रहा उस्मान बुजदार साहब सवेरे सवेरे मैंने कॉल की ने 4:15 बजे. अच्छा मैं कहें 5 बजे हैज बिन वजीर अल हाउस डन. मैं सर 5 बजे पहुंचना है? कहंदे ने मैं 5 बजे पहुंचना है, तू 4:45 आना है. अच्छा सर मैं 4:45 गया ते मेरे तो पहले उत्थे फिर रहे सन. अच्छा ट्रैक सूट पाया होया ते इंजन वॉकिंग कर रहे ने, ठीक है, नाल गा रहे ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. उस्ताद साहब यू आर, मैं हैरान हो गया. ओ मैं क्या फिर प्रेपज दाखला ले ले ने? कहने नहीं पुत्र दौरे आ रहे ने. अच्छा त्राह निकल गया. मैं क्या सर हाले ते ना अरसा हुए नहीं तो तुहानू दौरे पहले आउण लग गए. मैंने कहंदे ने टैंगो की होंदा है? अच्छा मैं क्या टैंगो, मैं हजारां लोगों दे नाल गया डिनर दे उते हल्का हल्का रक्स होंदा है. अच्छा ते कहंदे ने ओ तैनू आंदा? मैं क्या देखिया ते मैं होया दूरों. अच्छा कहंदे ने ओ सिखा टैंगो उस्मान बुजदार को? जी सर. वाह वाह. मैं क्या पाओ मेरी कमर च हाथ ले आई नो दा हाथ फड़या जी ए उन्होंने मेरी कमर च हाथ पाया. वाह ओए एडा छोटा जिया लक. मैं क्या सर ये गुरबत दी वजह तो है. मैनू कहंदे ने इन्ने दिनां दे विच इन्नी महंगाई हो गई है सानू पता ही नहीं. मैं क्या सर बड़ा जुलम हो रहा है. कहंदे छड़ परां ओ जाणन ते तुसी जाणो मेरा कोई तल्लुक नहीं. बहुत अच्छे. मैं क्या आओ सर
ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਵਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਮੈਂ ਐ ਛੱਡਿਆ ਐ ਫੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ मैं तो निकला है पीछे ना जाने क्या हुआ वाह 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 तू भाई ग्रेट अफसर है अच्छा जी हां जी थाने में गया ते एक मुजरम मेनू पांजा ला रहा है हाय ते मेनू देख के शर्मिंदा नहीं होया ते मेनू देख के कह रहा कल मम्मी तेनू लाया सी ना ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੇਚ ਦੂਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਓ ਹੋ ਬਾਵਲਪੁਰ Yes. यार व्हाट अ ग्रेट मैन मुस्लिम लीग नून मैं कहना बड़े जिम्मेदार आदमी ने कौन ने अरे देखो गौर से सर मैं तुम्हारे को पूछ रहे हैं तुम मेरे को पूछ रहे हैं मुझे तो पता है मेरे ते बॉस ने मैं ते ड्यूटी की थी मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे अच्छा इन्हें दे दौरे चली महंगाई आई सी नहीं ना ते हुण बोलो ना ओ हाजरा मैडम यस माय गुडनेस मेरे क्लास फेलो ने क्या डबलिंग दे विच असि पढ़दे रहे आयरलैंड ये इतनी पुरानी तो नहीं है मैं छोटा सा था जब से इनके ड्रामे देखता हूं मगर आप डबलिन में उनके साथ पढ़ते सर आयरलैंड याद करो बीबीए याद आ गया उनका आयरलैंड क्यों खराब कर रहे हैं नहीं नहीं बीबीए इकट्ठा किया आपको पता भी है बीबीए का मतलब क्या होता है ए, मैं थोड़े को पूछना चाहना सर उन्होंने बीबीए किया तू सिर्फ कूड़ा इकट्ठा किया उन्हें इकट्ठा करके लिया के इतने सटे Can I have one selfish, please? Selfish नहीं होता. Selfish. मैं हूं कामरान शाहिद अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह करें अवेयर रहने के लिए मुल्की हालात बेलगावी मामलात दुनिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें